पिछली दिवाली तो जगह थी, हम दिवाली आऊगी तो शायद जगा देने तो जगा देने, बाकी मिंदा हौसला को नहीं भी जगा देने कितने। इस काल करेंगे वो 1,30,000 रुपए बिल हमने बढ़ाया, 1,30,000 बिल हम कहाँ से बने, लाइट तो एक दिन चसी नहीं, 1,30,000 बिल आ गए। अंधेरे का फायदा उठा के एक बाइकर ने उनसे मोबाइल छीन लिया, उनसे बात करते और अंधेरे के फायदे में ही वो भाग गया। उसके बाद कंप्लेंट नंबर भी लाते तो आगे नंबर दे दिया जाता है, हमें बस एक मान लो हाँ यूँ रख रखा है कि आप बस चलते जाओ हमारे साथ साथ, कभी ना कभी तो हम जगा देंगे लाइट को। राम राम जी सारे ने, मैं गुलशन और थे देखने ला रहे हो झलको हरियाणा न्यूज चैनल। अगर चैनल पर नया हो तो ना लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो। तो जिया कि आ एक दरियापुर गांव के अंदर मामलों सामने आया है कि जड़े जो पुल है रोड की पुल बनी है NH9 पे, तो उस पर जो लाइटा है, जबकि पुल बनी है नहीं तब की लाइटा जगन को लाग रही है। और अड़ा जो दुकानदार है बात कराँगा, जानागा कि कुछ मामलों है तो आज थाना अड़ा के लोगों बातचीत करवावा। राम राम जी। राम राम। के नाम है जी अपनो? मुंशी राम जी पंच। मुंशी राम जी, ये कदगी लाइटा कौन जगन लाग रही है? ये पिछली दिवाली के बाद में बंदी है भाई, उसके बाद में जगी को नहीं। तो इस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई हमने तो कई जगह फोन भी किया है कईयों को। अच्छा। और अभी तक तो हमारी तो कोई सुनाई हुई नहीं। तो क्या कुछ आपको दिक्कतें आती हैं इससे? दिक्कत तो सभी आती है, यहाँ अंधेरा हो जाता है रात को, चलने वाला मुसाफिर है, कई बार यहाँ मोटरसाइकिल भी गिरे हैं रोड पे, कोई आगे बच्चा भी आ जाए, कोई और आ जाए, बिल्कुल अंधेरा रहता है रात को। अच्छा। तो कितना टाइम हो गया ये पुल बने को? पुल बने को लगभग 3 साल तो हो गए। हाँ, 3 साल के लगभग हो गए। 3 साल हो गए। हाँ। तो आप बताइए जी, क्या कुछ आपकी दुकान यहीं पे होगी? हाँ जी, यहाँ भी है जी। तो क्या कुछ लाइटों की प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो इस तरह थोड़ा चानना हो तो चोर चार सौखे बिक जाते हैं, एकदम आने जाने वाला सौखा हो जाता है। तो यहाँ के प्रशासन ने अभी तक कुछ काम नहीं करवाया? पिछली दिवाली की जगह थी, हम दिवाली आऊगी तो शायद जगा देने तो जगा देने, बाकी मिंदा हौसला को नहीं भी जगा देने कितने। तो अगर राह गिर जाते हो तो क्या कुछ उनको दिक्कत हो? दिक्कत ही है जी, एक्सीडेंट हो जाते हैं, आपसे बैठ जाता कोई बुजुर्ग टपता वो मोटरसाइकिल बच जाता है, अगला मार के पार जाता है। तो अभी तक कोई सरकार ने पैसा लाया, कोई काम तो नहीं आ रहा ना जी। हाँ जी। तो अभी तक कोई ऐसा कोई दुर्घटना हुई है? दुर्घटना रोज ही होती है, छोटी मोटी तो रोज ही होती रहती, परसों ही बजे एक स्कूटी जी मोटरसाइकिल चोरी हो गई, दो तीन बार चोरी हो गई, समझ नहीं आता। आप बताओ जी क्या हुआ था जी? बात ये है जी, मतलब जैसे ये लाइटें जब से लगी हैं, पुल बने जब से लग गई, लेकिन लाइट जगाने के लिए हमने 100 बार फोन किया NHAI को, NHAI बोली जिसने पुल बनाया उसके अंडर है ये, वो ही लोग इसको आगे ठीक करेंगे, रिपेयर करेंगे। उनका हमारे पास नंबर नहीं है, फिर उनका नंबर हमने निकाला खोज के, उनको भी 10 या 15 बार उनको फ़ोन कर दिया। संदीप गिल नाम से एक बंदा था, उसने एक नंबर दिया था कि ये साहब देखेंगे इनकी कार्रवाई, यही बताएंगे। उसके बाद उसको फ़ोन किया तो वो बोला कि NHAI है ना जो है वो इसकी पेमेंट नहीं बढ़ रही है, बिल नहीं बढ़ रहा है, दोनों तरफ से मीटर पड़ गया, उखाड़ के ले गए मीटर, बिल ज़्यादा आता है। तो उसको फ़ोन किया भी आप जाके बिजली वालों से मिलो, बिजली वाले भी इसका हल करेंगे, वो 1,30,000 रुपए बिल हमने बढ़ाया, 1,30,000 बिल हम कहाँ से बने, लाइट तो एक दिन चसी नहीं, 1,30,000 बिल आ गया। अच्छा। ये जो है कंप्लेंट नंबर पास में ले गया पैसे, ये कंप्लेंट नंबर है जी, ये डाला है उस पर, ये बहुत बार कंप्लेंट कर दी है, तो न्यू कंप्लेंट की है। तो वो आज मेरे पास उसको व्हाट्सएप पे कॉलिंग की, उसका नंबर लेके जिन्होंने ये पुल बनाया रख रखाव की जिनके पास जिम्मेवारी है 5 साल तक, तो वो बोले कि हमें इतना बिल कहाँ से भर देंगे, मेरे तो अब बस की बात नहीं है, आप जाके बिजली विभाग के SDO से मिलो जो इतना इतना बिल देते हैं, या NHAI को दो। NHAI को कहते हैं तो NHAI कहती है कि हमारे अंडर नहीं है ये पुल, उनका रख रखाव के अंडर है, जिनके जिन्होंने पुल बनाया उनके अंडर ही है ये अभी तक। थारा ही सामू केला गई किंग ही गलती है ये लाइट आना जगह वो भी पर थोपन ला रहे हो, कोई आपकी जिम्मेवारी समझ नहीं कौन ला रहे हो, अभी किंग अंडर है वो भी कौन पता लगन ला रहे हो अभी, कि NHAI के अंडर है या जिसने पुल बनाया उस कंपनी के अंडर है, अभी तक यही नहीं पता लग रहा। अच्छा। तो क्या कुछ दिक्कतें आती है वो? दिक्कतें सारी है जी, एक लाइट कभी दिन में चस जाती है जी, घंटा दो घंटा। अच्छा। और चसती नहीं तो एक साल ही हो गया पूरा। ये पूरी कितने किलोमीटर में पुल है? ये वहाँ से लेके पीछे तक सारा पुल है, पुल पे नीचे सरी, इसके अलावा NHAI की लाइटें भी नीचे सरी, बडोपर दांगड़ और एक वो है, वो सारी लाइटें जग रही हैं, केवल इस पुल की नहीं जगती, बडोपल में यही पुल बडोपल में है, उन कंपनी के अंडर है, बडोपल की चसरी है, खारागेड़ी में चसरी है, तो यहाँ क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ एक दिन भी नहीं चसरी। तो वो बिल का कह रहे हैं, वो बिल वाला तो बिल वाला तो वो ही भरेंगे, NHAI भरे या भरे जो रख रखाव करते हैं वो, हम तो टोल टैक्स दे रहे हैं और बनाए पुल तब से ये लाइटें नहीं चल रही, बाकी आप बताइए। हाँ जी,
अभी तो आपने सुना होगा भाई साहब बता रहे थे भी काफ़ी हादसे होते हैं। अभी चार दिन पहले एक मुसाफिर दो लेडीजें उतरी यहाँ दरियापुर बस स्टैंड पे, अंधेरे का फ़ायदा उठा के एक बाइकर ने उनसे मोबाइल छीन लिया, उनसे बात करते और अंधेरे के फ़ायदे में ही वो भाग गया, जो कि किसी को आवाज़ में भी नहीं पता चला कौन सी तरफ गया और दिखाई भी नहीं दिया। अगर ये लाइटें जगती हों दिखता हो तो कम से कम बस स्टैंड वाले हम किसी की मदद कर सके या उसको पहचान सके, उसका नंबर देख सके। कभी जग रही हैं तो दो दिन परली तरफ जगेंगी तो वो बंद हो जाएंगी, फिर दो दिन ये जगेंगी, और या पूरे साल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने लाइट जगी होंगी ये, वो भी इसी बारी के हिसाब से, दो दिन उधर दो दिन इधर, नहीं तो बंद। तो अभी तक NHI जो भी इन्होंने बताया भाई जी ने, तो क्या शिकायत की अभी तक, कितनी बार शिकायत कर दी? बहुत बार, पिछले एक साल से तो रेगुलर शिकायतें ये दुकानदार भाई हमारे सब कर रहे हैं। जैसे जिसको मौका लगता है वो शिकायत करता है, वो नंबर मिल जाता है हमें, उस नंबर पे हम बात करते हैं, उसके बाद कंप्लेंट नंबर मिलाते हैं तो आगे नंबर दे दिया जाता है हमें। बस एक मान लो हाँ यूँ रख रखा है कि आप बस चलते जाओ हमारे साथ साथ, कभी ना कभी तो हम जगा देंगे लाइट को, लेकिन ऐसा अब तक हुआ नहीं। अगर आपके सहारे कुछ हो सकता है तो आज हमें खुशी होगी इस बात की कि आप हमारे किसी काम आए। तो आप भी हैं? हाँ जी। तो आप बताइए क्या कुछ बहुत दिक्कत ही दिक्कत है यहाँ पे, कभी कोई थप्पड़ मार देता है किसी, क्या हो जाता है कभी क्या हो जाता है, मार तो रोज की लड़ाई होती है अंधेरे में, अंधेरे की वजह से। हाँ, और कोई मोबाइल छीन के भाग रहा है, कोई क्या कर रहा है। जी हाँ, कहे स्थानीय लोगों में बात करी है और दुकानदार बैठे हैं वहाँ, अपनी अपनी समस्या बताई है, तो कोई कहे कि अडे शाम की टाइम लाइट जगह को नहीं और बिन कारण चोरी हो जाए और एक्सीडेंट की दुर्घटना बहुत हो, और एक ताऊ जी मिले वो कहे कि जब दिवाली हुई नहीं तब लाइटें जगी, अब की और फिर दिवाली आने ला रही है बी टाइम लाइटें जगेगी। जो NHAI है बिने कंप्लेंट भी कर रखी है अडे लोगों ने, पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, जबकि यह पुल बनी है नहीं तब चलेगा, अब तक लाइट कदे जग जाए कदे कौन जगह, कदे दो घंटा जग जाए कदे तीन घंटा जग जाए, कोई भी ऊपर सुनवाई कौन होने लग रही है। तो देख सको कि अभी तक शाम होने वाली है और एक भी यानी कि रोड के ऊपर लाइटें, इतनी सारी लाइटें खड़ी है, एक भी लाइट जगन कौन लग रही थी, देख सको ध्यान में। कैमरा मैन ने कहूँगा कि अपने कैमरा को इधर घुमाए, उधर दिखाओ, इधर सारी लाइटें दिखाई, ये देखो। और अट्ठा के लोगों ने भी बताया कि काफ़ी टाइम हो गया लाइट जगन को लग रही, और मैं अभी थाने पुल को ऊपर लेकर आया हूँ और थाने दिखाने लग रहा हूँ कि शाम होने वाली है और एक भी लाइट अभी तक जगी को नहीं है। थे आप तस्वीर का वहाँ देख सको, अब आन जान वाला है जो NH9 है और यो काफ़ी भरो यानी कि रात दिन अड़ा साधन चल रहा है। तो देख सको, या भी देखो थे वायरिंग की भी कोई प्रबंध को नहीं करवा रखे हो, वायरिंग भी खुली पड़ी है, अगर कल ना कोई एक्सीडेंट हो जाइए, देखो ऊपर भी देखो थे, और इन्हें भी देख सको थे अभी कोई प्रबंध नहीं करा रखे है, और ये देखो ओडा तक यानी कि कम से कम या 4 या 5 किलोमीटर के अंडर में या पुल है और 4-5 अंडर में ओड तक कोनी लाइट, एक भी लाइट नहीं जगन लग रही। तो ये वीडियो ना दबा के शेयर करियो और इकट्ठे भी इसी प्रॉब्लम आवे तो वी पे आवाज़ उठाओ, जुकर अड़ेगा लोगों ने आवाज़ उठाई है तो वीडियो ना दबा के शेयर करियो, और या वीडियो ओडा प्रशासन तक पहुँचनी चाहिए ताकि ये पर कोई सुनवाई हो सके और जो भी इतना एक्सीडेंट होने लग रहा है, दुर्घटना होने लग रही है, ये पर कोई कार्रवाई कर सके। कैमरा मैन सोनू के साथ झलको हरियाणा गुलशन दरियापुर। झलको